हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पाचन और पाचन तंत्र के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिससे आपको अपनी पाचन प्रक्रिया और पाचन तंत्र को समझने में मदद मिलेगी और आपको पाचन और पाचन तंत्र से जुड़ी ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि शायद ही आपको पता हो। दोस्तों, मनुष्य के पाचन तंत्र में यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में कई अंग या ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिनके एक साथ कार्य करने पर पाचन की प्रक्रिया या प्रोसेस पूरी होती है और पाचन पूरा होने में लगभग 24 से 72 घंटों का समय लग सकता है। दोस्तों, पाचन वो प्रक्रिया है जिसमें आपके भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और उससे पोषण को अलग करके आपके खून में मिला दिया जाता है, जिससे आपको ऊर्जा और पोषण मिलता है और आपका शरीर सही रूप से कार्य करता रहता है। पाचन को पूरा करने के लिए पाचन तंत्र यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के हर अंग की अहम भूमिका होती है। पाचन तंत्र में आपका मुंह, आहार नाल, आमाशय, गॉल ब्लैडर, लीवर, पैंक्रिया, छोटी और बड़ी आंत्र और मल द्वार पाए जाते हैं। आपकी मुंह की नली, आमाशय यानी स्टमक और आपकी छोटी आंत में म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है और इस मेम्ब्रेन यानी परत में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे पाचन एंजाइम्स निकलते हैं और जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा आपके पाचन तंत्र में पैंक्रियाज और लीवर होते हैं, जिनसे बाइल जूस यानी पित्त रस और पाचक एंजाइम्स का स्त्राव होता है और यह जूस और एंजाइम आपकी छोटी आंत में जाकर पाचन में मदद करते हैं। इसके अलावा आपके पाचन तंत्र में गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय पाया जाता है, जो कि लीवर में बनने वाले पाचक रसों को स्टोर करने में मदद करता है और इन पाचक रसों को जरूरत पड़ने पर आपकी छोटी आंत में पाचन के लिए भेज देता है। पाचन की प्रक्रिया आपके मुंह से ही शुरू हो जाती है, जहां आपके चबाए हुए भोजन में आपका थूक यानी सलाइवा मिलकर पाचन को शुरू कर देता है। तब यह आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन आपके स्टमक यानी आमाशय में पहुंचता है, जहां स्टमक एसिड आपके भोजन को और महीन कर देते हैं और पाचन रस भोजन के साथ मिल जाते हैं। इसके बाद यह अधपचा भोजन आपकी छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूस भोजन के साथ मिलकर उसे और अधिक पचाने में मदद करते हैं। छोटी आंत की दीवारों के द्वारा पचे हुए भोजन से पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण कर लिया जाता है और इन पोषक तत्वों को आपके ब्लड में मिला दिया जाता है और यह पोषण खून के द्वारा आपके शरीर में पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि आपके शरीर को सभी तरह के कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। अंत में बचा हुआ भोजन आपकी बड़ी आंत में चला जाता है, जहां मल के रूप में इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे पूरी होती है आपके पाचन की प्रक्रिया। अब हम पाचक अंगों के बारे में या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ ज़रूरी और काम की बातें जानेंगे। शायद आपको पता नहीं होगा कि आपका स्टमक यानी कि आमाशय एक बार में 1.5 लीटर पानी तक संभाल सकता है। आपका स्टमक यानी आमाशय एक दिन में औसतन 2 लीटर एसिड का निर्माण करता है। पाचन के दौरान भोजन आपके स्टमक यानी आमाशय में 2 से 3 घंटे तक रहता है। मनुष्य की बड़ी आंत में लगभग 400 प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं। आपका लीवर त्वचा के बाद शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है और यह लगभग 500 कार्य करता है और आपके शरीर में लीवर ही एकमात्र अंग है जो अपने आप को फिर से बनाने की क्षमता रखता है। आपके थूक की ग्रंथियां एक दिन में लगभग 400 मिलीलीटर से लेकर 1.5 लीटर तक थूक का निर्माण करती हैं। आपके मुंह में लगभग 10,000 टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, जो कि आपकी जीभ, गले और मुंह की दीवारों में पाए जाते हैं। फैट यानी वसा को पचाने में सामान्य से 3 गुना अधिक समय लगता है। एक ज़रूरी बात कि पाचन की प्रक्रिया यानी आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है, वो केवल पाचन अंगों द्वारा पूरा नहीं किया जाता। इसमें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र और नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र भी शामिल होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आप मजबूत कर सकें और ऐसा आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको अपनी डाइट पर कंट्रोल करना होगा और रोजाना एक्सरसाइज करनी होगी। यदि आप हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज
का पालन करते हैं तो आपको पेट या पाचन से संबंधी कोई भी समस्या नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, आज हमने आपको पाचन प्रक्रिया के बारे में बताया। हमने पूरी कोशिश की कि इसे आम आदमी भी या छोटा बच्चा भी आसानी से समझ सके। आगे के वीडियो में हम हर पाचक अंग की भूमिका आपको बताएंगे, यानी कि डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।